हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सेक्रेटेरिएट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज के हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आप में कौन से सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लू एंड वाइट स्टोन एंड सेकंड पाइल है ग्रीन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो, इसके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप मुझसे आसानी से बातचीत कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल वन चूज की है ब्लू एंड वाइट स्टोन, इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वो ये है कि आपकी सोच, आपके आचार विचार बदल रहे हैं। यानी आपकी सोच बहुत ज़्यादा ऊंची हो रही है, बड़ी हो रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ आप कुछ सिचुएशन को बहुत ही कलरफुल तरीके से ले रहे हो। आपके अपने जीवन में जो भी आ रहा है इसको एक अलग नज़रिए से देख रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि खुले आसमान में मुझे उड़ना है। ये आपकी ख्यालात अभी बन रहे हैं, तो आपके जो सकारात्मक परिवर्तन है वो रियली में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स बताइए उनमें कौन से सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, फूल, जो मैंने कहा आपके ख्यालात बदल रहे हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो। टेम्परेंस, और वो भी विश्वास के साथ। और जब कोई भी बात हो विश्वास के साथ की जाए तो वो बहुत ही सफल होती है। सिक्स नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप। आप ये भी मानते हो कि आधी लाइफ तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोरिंग तरीके से बिता दी है, कुछ ज़्यादा ही। एट ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, अकड़ में बिता दी है, ऐसा भी मानते हो। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स, वो शायद मेरे लिए गलत था, ऐसा भी आप मानते हो। किंग ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप। ओके, तो यस, यहाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 100% आई है। तो यस, अपने आप को आप मानते हो कि मैंने आधी लाइफ या अपने कुछ महीने, अपने कुछ हफ्ते या अपने कुछ साल फालतू की बोरिंग बातों में बिता दिए, या वो वक्त मैं इस वक्त को अच्छे तरीके से निभा सकती थी, या इस वक्त को मैं अपने आप में एंजॉय कर सकती थी, ये आप सोचते हो। लेकिन मुझसे वो नहीं हो पाया और उस वक्त को मैंने गवा दिया। तो शॉर्ट के एनर्जी का जो हायर पावर यानी 100% आने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अफसोस करते हो कि आपने अपने जीवन में कुछ ज़्यादा ही कीमती वक्त को वेस्ट कर दिया, ये ज़रूर मानते हो। और अब आपकी जब आंखें खुली है तब आपको लगता है कि जो भी अब मेरे पास वक्त है उसको खुल कर जीना है, एंजॉय करना है। ये परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है और ये बहुत खूबसूरत बात है। यहाँ एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी 100% है। इसका मतलब ये होता है कि अब आप अपने जीवन को खुले मिजाज से हर तरीके से बेस्ट जीने के लिए तैयार हो। आपकी हर वांट्स का मतलब भी होता है कि अपनी हर एक कोशिश में लग जाना।
आपसे जो भी पॉजिटिव वे में बन सकता है वो कर जाना। तो ये आप पॉसिबिलिटी को ढूंढ रहे हो, हर तरीके की पॉसिबिलिटी आपके जीवन में है, आप खोजोगे तो आपको मिल जाएगी। ये जो नज़रिया है वो आपके अंदर बदला है और इस परिवर्तन की वजह से आपको पॉसिबिलिटी भी मिल रही है और आपको पॉजिटिव आंसर भी मिल रहे हैं, ये आप जान गए हो। अब यहाँ कैंसर स्पाइस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी 100% आई है। इसका मतलब ये होता है कि इमोशनल वाइज आप हमेशा फूल ही रहे हो, तभी तो फूल की एनर्जी फर्स्ट है, कि आपने इमोशंस में बहकर कुछ ज़्यादा ही वक्त बिता दिया और वो अभी सारे रिश्ते मुझे कुछ काम नहीं आ रहे हैं, सभी लोग अपने में मग्न हैं, सभी मुझे भूल गए हैं और अपनी चीज़ों में ही जुटे हुए हैं और मेरा अपने एक महत्व उनके दिल में ज़रूर है लेकिन वो अपने आप में ही इतने ज़्यादा बिजी है कि वो मेरे साथ वक्त नहीं बिता सकते हैं, या वो वक्त देना भी चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है, इतना ज़्यादा वो बिजी है अपने जीवन में। तो यहाँ आपने अपने लोगों के लिए जो वक्त निकाला था वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो थोड़ा वेस्ट हो गया, मुझे अपनी ओर ध्यान देना ज़्यादा बेटर था, मैं अपने आप के ऊपर ध्यान देती, मैं अपने आप के ऊपर एक फिजिकली अपने आप को मेंटेन करती, अपने आप की इम्प्रूव करती या अपने आप को अच्छी तरीके से निखारती तो फिर मेरा जीवन बहुत ही बेहतरीन होता। आज अब हमें आपको ऐसा लगता है कि अपने आप के लोगों के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही वक्त गवा दिया, उनके साथ इतने ज़्यादा वक्त बिताने के बाद भी मेरे हाथ में ये आया, ये इमोशनली फूल तो बने ही बने, साथ में ये आया कि सभी लोग अपने में जुट गए और मेरा दिल टूट गया। और ये आप कहीं हद तक अच्छे तरीके से जानते हो, आपके दिलो दिमाग में स्टैटिक तरीके से रहता है कि कहीं ना कहीं मैंने इमोशनल वाइज लोगों के बहकावे में, लोगों के कहने से अपने कुछ साल, अपने कुछ महीने, अपने कुछ वक्त गवा दिया, ये ज़रूर मानते हो। लेकिन अब आप संभल गए हो, इमोशनली आप कुछ ज़्यादा ही 100% एनर्जी है, यानी आप इमोशनली रिश्तों को कैसे लेना है वो जान चुके हो, अब आप इमोशनली खुद को ज़्यादा खुश रखना जानते हो, इमोशनली अपने आप में स्ट्रांग रहना कैसा होता है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है जिससे आप खुद खुश रहो, आप खुद खुश होंगे तो लोग आपसे खुश होंगे, आप खुद सैड होंगे तो लोग साइड हो जाएंगे। हमारी अपनी खुशी हमें ज़्यादा महत्व देती है, हम अपने आप में खुश रहते हैं तभी लोग हमें समझ पाते हैं, हम अपने आप में दुखी रहते हैं तो लोग साइड हो जाते हैं, ये आप जान चुके हो, जिसकी वजह से ये जो सकारात्मक परिवर्तन सच में आपके लिए एक बेहतरीन नया वक्त ला रहा है। आप समझ रहे हो असल में अपनी पहचान, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो एक लास्ट एनर्जी बाकी है वो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी, और आप ध्यान से कार्ड देखो तो कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ गंवा दिया है। नाइन ऑफ कप की एनर्जी फुलफिलमेंट है, लेकिन इसके साथ टेन ऑफ सॉर्ड और एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो यस पैसों के मामलों में आप कहीं हद तक कम ही रहे हो, ये बात आप भी जानते हो। इमोशनली बहुत ज़्यादा लोगों के साथ का जुड़ाव, उनके लिए इन्वेस्टमेंट, उनके लिए खर्चे, उनके लिए कुछ ना कुछ करने की आपकी क्षमता, इस वजह से आप कहीं ना कहीं पैसों से भी थोड़ा हार ही गए हो, क्योंकि आपने उनके लिए हर एक चीज़ करने की कोशिश की, पैसों से भी करने की कोशिश की, इमोशंस तो दिए ही दिए, आपने अपनी उनकी जिम्मेदारी भी निभाई, उनके लिए हर तरीके का वक्त भी उनको दिया, उनके साथ खड़े भी रहे, तो हर एक चीज़ में आप ऑलमोस्ट बहुत ही बेहतर थे। और उनके लिए आप जिन आपने जो किया है पैसों से भी उनके लिए, इस वजह से अभी हाल फिलहाल की एनर्जी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की नॉर्मली है, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हो। तो यस आपके अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं
वो आपने अपने तरीके से अपने जीवन के पास्ट को निरीक्षण किया है, ऑब्जर्व किया है, इससे आपके सकारात्मक परिवर्तन बहुत अच्छा हो रहा है। जो मैंने कहा, आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग बन चुके हो, सटीक फैसला लेने वाले एक शॉर्ट की एनर्जेटिक एनर्जी में आ चुके हो। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है, अपने आप का ख्याल रखना है, अपने आप को पहले रखना है, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की ओर आपका एक कदम आगे बढ़ा है, ये ज़रूर है। और क्या है, चले देखते हैं। पाइल वन, किंग ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप, फिर से किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। तो पैसों के लेकर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड। पैसे जो मैंने कहा कम ज़रूर है, लेकिन अब आपके जीवन में पैसे बन रहे हैं और वो धीरे धीरे आपके जीवन में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये सब कब, अब आपको पैसों को कैसे संभालना है, अपने आप के लिए इन्वेस्ट करना है, अपने आप के लिए ग्रो करना है, वो आपको आ गया है। किंग ऑफ पेंटिकल, तो आप इस एनर्जी में आने वाले हो, बहुत ही बेहतरीन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हैंगमैन, ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। तो आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा ही पैसे आने वाले हैं, आपकी किस्मत खोलने वाली है। इस वजह से यहाँ आप अपने आप को स्टक या रुका हुआ जो महसूस कर रहे हो पैसों के मामले में, वो आपके सारे उलझने अब ख़त्म होने वाली है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो यस, यहाँ आप कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मौके मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से बढ़ चढ़ कर आपकी तारीफ होगी, आपके जीवन में पैसे बनेंगे और आप कहीं अच्छा जीवन जिएंगे, वो ज़रूर नज़र आता है। आपका सकारात्मक परिवर्तन जो है, या अपने आप को एक बदलना और अपने तरीके को अलग नज़रिए से देखना, यह आपको कहीं हद तक बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, काम आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं और वो आपने खुद चुना है कि मुझे अपने आप में ही थोड़ा बदलना है, तभी मैं अपने आप को पॉजिटिव रख पाऊँगी, पॉसिबिलिटी बढ़ा पाऊँगी और अपने आप में सफल हो पाऊँगी, इस तरीके से आप देखते हो। इस वजह से यहाँ सिक्स ऑफ कप और एस ऑफ कप की एनर्जी है, इसका मतलब होता है सेवन ऑफ कप, और सेवन ऑफ कप का मतलब ऑलमोस्ट यही होता है कि आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आते हो, यानी अपने सपने पूरे करना का जुनून अब आपके अंदर आ गया है। क्योंकि जो मैंने कहा कि धीरे धीरे आपके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से आपकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इस वजह से आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन लग रहे हो, अपने आप में ग्रो कर रहे हो, इस वजह से आपके जीवन में पैसे बन रहे हैं, पैसे बनने की वजह से आप कहीं हद तक अच्छी फैसिलिटी के साथ या अपनी अच्छी पर्सनालिटी को लोगों के सामने रख भी रहे हो। यहाँ आप जो भी है वो टू ऑफ कप की एनर्जी सिक्स ऑफ कप के साथ आई है, यानी एट ऑफ कप की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। आपने एट ऑफ कप की एनर्जी को देखा होगा कि एक इमोशनल इंसान पूरी तरीके से दुखी है, तो उससे अब आप बाहर निकल रहे हो, अपने आप को इमोशनल वाइज इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हो जिसकी वजह से आपको कोई बहका कर या फुसला करना चले जाए, इसका आप ध्यान रख रहे हो। और अल्टीमेटली आप एट ऑफ वैंड्स की एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अपनी एनर्जी में आ रहे हो, व्यवस्थित एनर्जी में आ रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। तो डेफिनेटली यहाँ आपके अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वो यही है कि आप पहले पेशेंस रखने वाले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे। ये जिस किसी की भी पाइल है वो जल्दबाजी में आगे बढ़ते थे, जल्दबाजी में डिसीजन लेते थे, किसी के लिए कुछ भी कर जाने के लिए जल्दी जल्दी डिसीजन लेना है, चाहे वह सामने वाला पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाना है और वो भी जल्दबाजी में अपने आप को खोते हुए दिखाना है, खोते हुए अपना डिसीजन लेना है। ये जो आपने बहुत सारी जल्दबाजी की है वो पूरी तरीके से अब वो आप दूर कर रहे हैं,
अब आप कुछ भी करते हो तो सोच समझ कर पेशेंस से काम लेते हुए करते हो, ये आपने सीखा है, तो ये आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। ये है रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, लव यू, बाय। हाय एवरीवन, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, ग्रीन स्टोन, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं वो बहुत ही नेचुरल है। यस, मैं नेचुरल कहूँगी, क्योंकि जिस तरीके की आपकी सोच है उस सोच के मुताबिक आपको चलना है। आप अपनी सोच में कुछ ज़्यादा ही तटस्थ हो और उसके मुताबिक चलना ही आपको ज़्यादा पसंद है। इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो, इस वजह से आपके जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं वो बेहतर रूप लेते ही लेते हैं। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल्ट जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनमें क्या सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। टेम्परेंस, गॉड के प्रति विश्वास, नाइट ऑफ वैंड्स, एनर्जी को समझना, नाइस। यहाँ जो फर्स्ट एनर्जी आई है वो है वैंड्स की एनर्जी, जो यहाँ 70% ही है, यानी आपने अपने जीवन में अपने तरीके से अपने आप की क्षमता को, अपनी एबिलिटी को कभी जानने की कोशिश नहीं की। यहाँ आपने अपनी एबिलिटी को इस वजह से जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि आपके इमोशनल रिश्ते कुछ ज़्यादा ही हेल्दी थे। आपको पता था कि जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मेरे अपने लोग मुझे मदद ज़रूर करेंगे। जो मैंने कहा, आप इमोशनली कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला। इतने ज़्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद भी आपने जो दूसरों के ऊपर विश्वास किया वो विश्वास टूटा है। इस वजह से अभी आपको पैसों की महत्वता समझ में आ रही है। ये एनर्जी ज़्यादातर फीमेल के लिए आ रही है, यहाँ मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है, लेकिन ज़्यादातर जो एनर्जी है वो फीमेल की ज़्यादा है कि आपने इमोशनल रिश्तों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया, अपने आप को ग्रो करने की कभी कोशिश नहीं की, अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और इंडिपेंडेंट तरीके से जीना क्या होता है वो आपको सच में पता ही नहीं, ये ज़रूर नज़र आता है। इस वजह से 70% एनर्जी ये दिखाती है कि आप अब पूरी तरीके से सकारात्मक परिवर्तन खुद ब खुद जा रहे हो और अपनी एबिलिटी को पहचान रहे हो। अपनी एबिलिटी को पहचान कर अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को बिल्डअप करना है, ये आपका अभी यकीन है, विश्वास है, क्योंकि सच में आपने बहुत कुछ करते हुए अपने एबिलिटी के ऊपर भरोसा ना रखते हुए अपनी एबिलिटी में कमज़ोर रहकर दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा ही किया और उसका जवाब आपको अभी मिल रहा है, जिसकी वजह से अब आप चाहते हो कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मैं अपने आप में एक अच्छे तरीके से ग्रो करूं, तभी लोग मेरी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपका मानना है। यहाँ जो कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% आई है, जो यही दिखाती है कि इतना इमोशनली मैं स्ट्रांग होने के बावजूद भी इस चीज़ में क्यों मैं हार गई, अपनी क्षमता को क्यों मैं पहचान नहीं पाई, अपने आप में क्यों खुद को बिल्डअप नहीं कर पाई, इतने ज़्यादा इमोशंस में बह गई कि मुझे आसपास अपने ही लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका मुझे भान नहीं रहा। तो सच में आप एक बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग पर्सन ज़रूर हो, लेकिन इमोशंस में आपको हमेशा जीत मिली है। इमोशंस में आपके अपने पर्सन ने आपको सपोर्ट किया है, आसपास के लोगों ने सपोर्ट किया है, आपकी प्रशंसा भी की है, आपके काम को सराहा भी है, आप खाने को भी सराहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्ट्रांग होते चले गए। लेकिन जब आपको सच में जिन लोगों की ज़रूरत पड़ी हुई, तब लोग कहीं ना कहीं मुंह फेर लिया, तब आपको सच में अपनी अहमियत पता चली कि आप सच में वाकई में हो क्या।
ये ज़रूर है। अब यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी 90% आई है। इसका मतलब ये होता है जो मैंने कहा, आप अपनी एबिलिटी को अब जान रहे हो, इस वजह से आपके पास पैसे भी बन रहे हैं। तो यहाँ आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन जो आ रहा है वो ये है कि आप एक अपनी नई दृष्टि से अपने आप को देख रहे हो। अब आपको खुद को ग्रो अप करना है, खुद के लिए लड़ना है, खुद के रिश्तों को संभालना है। कौन कैसा है वो आपको आपकी आंखों के सामने आ गया है, कौन अपने है और कौन पराया है वो आपको पता चल गया है। इसके मुताबिक अब आपको आगे बढ़ना है, ये आपके अंदर आ गया है। और अकड़ जो कहीं ना कहीं इमोशनल रिश्ते आपके बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप थे, इस वजह से आपके अंदर घमंड और अकड़ भी था, ये आप जानते हो। अब इसको आप पूरी तरीके से चकनाचूर करना चाहते हो, अब उसमें आप स्टक रहना नहीं चाहते हो, अब आप लोगों के साथ जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो जिससे आप दूसरों के साथ ग्रो अप कर सके। आप यहाँ ये भी नज़र आता है कि आप आसपास के लोगों के साथ ज़्यादातर बातचीत करना नहीं पसंद करते थे, लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना या उनके साथ ज़्यादातर वक्त बिताना ये आपको कहीं हद तक ज़रूरी ही नहीं लगा। लेकिन जब आपको समझ आया, पता चला कि जिन लोगों के ऊपर आपका विश्वास था वो टूटा, जिसकी वजह से आपको पता चला कि मुझे आसपास के लोगों के साथ भी बातचीत करनी चाहिए थी, आसपास के लोगों के साथ भी अपने आप की एक प्रेजेंस को रखना ज़रूरी था, ये आपको पता चला है। इस वजह से अभी आप बहुत सारे लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग वक्त बिताना चाहते हो, उनके साथ एंजॉय करना चाहते हो, उनके साथ इमोशनली जुड़ना नहीं है लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत वक्त ज़रूर बिताना है, ये आप जान चुके हो। तो कहीं ना कहीं आप खुले दिल से अब जीना चाहते हो, ये आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। और आपकी बुद्धि की क्षमता पहले से ही स्ट्रांग थी लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल रिश्ते में इतने ज़्यादा आप फंस गए कि अपनी बुद्धि क्षमता के ऊपर भी आपको डाउट रहा कि सच में मैं बुद्धिशाली हूँ भी या नहीं। इस वजह से मैंने कहा कि फीमेल की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही आ रही है, 70% फीमेल की एनर्जी है, 30% मेल की एनर्जी है। तो आपने अपनी बुद्धि के ऊपर भी डाउट किया लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि आप बुद्धिशाली इंसान भी हो। तो ये एक सकारात्मक परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है कि आप अपनी बुद्धि की क्षमता को अच्छी तरीके से पहचान रहे हो। आपके अंदर जो एक विशिष्टता है या स्पेशलिटी है वो आपको पता चल रही है कि मेरे अंदर जो हुनर है, टैलेंट है, वो मुझे सबके सामने रखना है, ये आपके अंदर आ रहा है। अब आपको सच में अपने आप की पहचान बनानी है, ये आपने सोच लिया है। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल टू, और क्या परिवर्तन आ रहे हैं, सकारात्मक। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cup, ये बहुत अच्छी बात है। जो मैंने कहा पैसों के मामले में स्टक हो गए थे उससे उभर रहे हो। एस ऑफ कप, इसका मतलब होता है 8 of cup, 6 of swords, थ्री ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 of swords। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वेंड। तो यहाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो 60% है, यानी आपने कुछ ज़्यादा ही खुद के लिए गिल्ट महसूस किया, अफसोस किया और कुछ ज़्यादा ही अपने आप को महसूस किया जब आप अकेले पड़ गए बहुत सारी चीज़ों में, रिश्तों में, ये ज़रूर नज़र आता है। जिसके चलते यहाँ आपके अंदर जो सकारात्मक फर्स्ट परिवर्तन आया है वो पैसों को लेकर आया है। पैसे जीवन में ज़रूरी है, ये महत्वता आपको पता चली है। इस वजह से अब आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को जीना चाहते हो,
ये ज़रूर नज़र आता है। यहाँ 3 ऑफ कप एंड 7 ऑफ कप की एनर्जी आई है, इसका मतलब होता है 10 ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि अब मुझे अपने आप में लगाम रखनी है, अपने आप में अपना कंट्रोल रखना है। अपने आप में जब हम बहुत कुछ होते हैं तो हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ये आप सीख गए हो। यहाँ सकारात्मक बदलाव ये आया है कि आपने, आपको वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है। जो आप सच में बहुत सारी गलतियाँ कर रहे थे, भूल कर रहे थे, वो अब आपको पता चल रही है। और ये आपका एक सकारात्मक परिवर्तन ही है कि आपको एक पॉजिटिव नज़रिए से अपने आप को देख रहे हो, अपनी गलतियाँ स्वीकार कर रहे हो, अपनी भूलों को एक्सेप्ट कर रहे हो और फिर आगे बढ़ना है। तभी तो सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जब कोई भी इंसान अपनी गलतियाँ स्वीकार करने लगता है तभी उसके अंदर पॉजिटिव बदलाव आते हैं। और सच में आप ऐसा कर रहे हो, इस वजह से आपको बहुत कुछ अपने जीवन में मिल रहा है। यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स लास्ट की एनर्जी है, तो यस, यहाँ मैं यही कहूँगी आपके लिए कि आप सच में अपने जीवन में, अभी हाल फिलहाल शायद आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ना भी आए हो, लेकिन आगे फ्यूचर में आपका प्रेजेंट फ्यूचर कुछ वाकई बहुत भी बढ़िया है। बहुत ही सफलता में आप आगे बढ़ रहे हो और आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, तो आपका प्रेजेंट फ्यूचर कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन है, जिसके चलते अभी के जो हालात है 6 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ सॉर्ड कि आप पास्ट की एनर्जी को कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और उसके मुताबिक आप अपने आप में बदलाव ला रहे हो और पॉजिटिव बदलाव ला रहे हो, जिसकी वजह से आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आने में कोई आपको रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो आपने वक्त से, रिश्तों से, चीज़ों से, सिचुएशनों से जो आपने सीखा है, इस वजह से आप और ज़्यादा पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रहे हो। यही आपका फर्स्ट एक स्टेप है कि अपने आप को किस तरीके से देखना, ये आपने बहुत ही ज़रूरी समझा है, वो नज़र आता है। और अपने आप के लिए भी मेहनत की जा सकती है, दूसरों के लिए मेहनत की जा सकती है, तो अपने लिए भी मेहनत की जा सकती है, ये बात आप अब समझ रहे हो। ये है रीडिंग टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।